इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज ईद उल फित्र बेलगाम शहर में बड़े ही सादगी के साथ मनाई गई। नमाज ईद घरों में ही पढ़ी गई। वैसे तो ईद और जुमा की नमाज घरों में अदा नहीं की जा सकती, पर कोरोना आलमी वबा के चलते हुकूमत की जानिब से कुछ पाबंदियां ऐद की गई थी, जिस पर अमल करते हुए बेलगाम शहर के उलमाए कराम, शहर की मरकजी तंजीम अंजुमन इस्लाम ने अपने ऐलानात के जरिए अवाम को पैगाम दिया था कि ईद की नमाज के लिए मस्जिद और ईदगाह का रुख ना करें। लिहाजा अवाम ने हालात की संजीदगी को देखते हुए नफल नमाजों को घरों में ही अदा किया। सदका, फितरा, खैरात, जकात को मुसलमानों की जानिब से अदा किया गया और साथ ही इस ईद पर खरीदारी ना करने के फैसले पर भी अवाम अमल पैरा हुई और ख़ासकर इसके लिए ख़वातीन वाकई काबिले मुबारकबाद हैं। शहर में दिन भर लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे थे। ख़ासकर बच्चों में ईद की खुशी ज़्यादा होती है, पर इस बार बच्चों ने भी वही पुराने कपड़े पहनकर ईद मनाई और लॉकडाउन का असर बच्चों की ईदी पर भी नज़र आया। इस दौरान बेलगाम चांदूगली में ईद की खुशियाँ कॉरपोरेशन के मुलाजमीन के साथ बांट कर मिसाल कायम की। वाजह रहे कि हर रोज़ गली मोहल्ले में घूम फिर कर सफाई का ख्याल रखने वाले कॉरपोरेशन कचरा गाड़ी के मुलाजमीन की तरफ अक्सर तवज्जो नहीं दी जाती, पर चांदूगली यंग कमेटी की जानिब से तमाम कचरा गाड़ी के मुलाजमीन की गुलपोशी फरमा कर इनके कामों की हौसला अफजाई फरमाई गई। इस वक्त तमाम जिम्मेदार अफरादों के साथ मौलाना आसिफ भी मौजूद रहे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बीमारी जो वायरस फैला हुआ है, ऐसी हालत में ये लोगों ने हमेशा आकर के यहाँ पर सफाई, जो भी कचरा वगैरह था वो बराबर पाबंदी से लेकर गए हैं। अगर ये ना ले जाते तो कोरोना से हम मरते या ना मरते, लेकिन हमारे कचरे से हम जरूर मर जाते। फिर भी इन्होंने बगैर बीमारी से डरे हुए हमारी खिदमत की है, तो हम पूरे मोहल्ले वालों की जानिब से जो है इनका शुक्र अदा करते हैं। उनके जो गुलफानी और उनके जो है गुलपेशी भी की गई है, उसका साथ में उनको एक लिफाफा दिया गया है। हम चाहते हैं कि इसी तरह हर मोहल्ले वाले इनके जो है हिम्मत अफजाई करें और उनका शुक्रिया अदा करें।